जय हिंद दोस्तों दीपावली की शुभकामनाएं केंद्र के डिफेंस रेलवे और अन्य पेंशनर्स के लिए केंद्र सरकार के डी ओ पी पी डब्ल्यू ने आखिरकार 30 अक्टूबर 2024 से एक दिन पहले जुलाई 2024 से बढ़े हुए महंगाई राहत का आदेश जारी कर दिया है साथ ही एरियर नहीं देने का आदेश भी जारी किया है डी ओ पी डब्ल्यू ने इसको लेकर ऑफिशियल ऑनऑर्डर भी जारी कर दिया है जिसके तहत पेंशनर्स का डी पचास फीसदी से बढ़ाकर तिरपन फीसदी किया गया है यानी महंगाई राहत में तीन फीसदी की बढ़ोतरी की गई है सरकार की ओर से यह वृद्धि एक जुलाई दो हजार चौबीस से की गई है साथ ही चार महीनों का बकाया डी इस महीने नहीं मिलेगा इस महीने की पेंशन तीस अक्टूबर दो हजार चौबीस को पचास प्रतिशत डी आर के साथ ही जमा हुई है अब नवंबर की पेंशन तिरपन प्रतिशत डी आर के साथ मिलेगी साथ ही जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का चार महीनों का डी का एरियर भी नवंबर में मिलेगा तो आइए जानते हैं कितना मिलेगा नवंबर में चार महीनों का डी आर यहाँ पर मैं आपको आपकी रैंक और क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार चार महीनों का आपका तीन परसेंट का डिफरेंस डीआर आर एरियर कितना खातों में क्रेडिट होगा वो बताने जा रहा हूँ तो सिपाही है जिसकी पंद्रह साल से लेकर साढ़े सोलह साल क्वालिफाइंग सर्विस है उनका हर महीने पेंशन इंक्रीज तीन परसेंट से छः सौ चौंसठ रुपये हुआ है और चार महीने का दो हजार सौ पचपन रुपए उनके खातों में आएगा सत्रह से अठारह साल वालों का दो हजार सौ बहत्तर रुपए साढ़े अठारह से साढ़े उन्नीस साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों का दो हजार सात सौ सत्तासी रुपए और बीस साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों का दो हजार आठ सौ बीस रुपए और साढ़े बीस से ऊपर जो क्वालिफाइंग सर्विस है यदि सिपाही की तो उनको दो हजार नौ सौ पैंतीस रुपए एरियर के तौर पर देखने को खातों में मिलेगा इसके बाद नाइक की बात करें तो नाइक सोलह साल क्वालिफाइंग सर्विस में उसको दो हज़ार सात सौ बयालीस रुपये सत्रह साल में दो हज़ार आठ सौ सत्ताईस रुपये अठारह साल में दो हज़ार नौ सौ चौदह रुपये और उन्नीस से साढ़े इक्कीस साल में तीन हजार चार रुपये और बाईस से ऊपर यदि क्वालिफाइंग सर्विस है तो तीन हजार तीन सौ दस रुपये साथ में आप अपनी पेंशन भी यहाँ पर देख सकते हैं बाईस से अट्ठाईस साल क्वालिफाइंग सर्विस नाइक की जो पेंशन है पचास परसेंट डी आर के साथ इकतालीस हजार तीन सौ अठहत्तर रुपये खातों में आएगी जो सितंबर 24 में इतनी ही आई थी हवलदार की बात करें तो हवलदार की यहां पे देख लेते हैं हम उन्नीस साल से साढ़े उन्नीस साल क्वालिफाइंग सर्विस में तीन हजार एक सौ नब्बे रुपये यदि उन्नीस साल से कम क्वालिफाइंग सर्विस के यदि आपकी है तो आप देख सकते हैं ऊपर अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के सामने जो सेकेंड लास्ट कॉलम है वो आपका चार महीने का डी का एरियर है बीस साल वालों का तीन हजार दो सौ इकहत्तर रुपये और 21 से 28 साल यदि हवलदार की क्वालिफाइंग सर्विस है तो उनको तीन हज़ार तीन सौ बावन रुपये चार महीने का डी आर का एरियर मिलेगा अब नायब सुबेदार का देख लें आप बीस साल क्वालिफाइंग सर्विस में तीन हज़ार दो सौ इकहत्तर रुपये और चालीस हज़ार आठ सौ नब्बे रुपये आएगी साढ़े बीस से साढ़े तेईस साल तीन हज़ार पाँच सौ अठावन रुपये चार महीनों का एरियर और चौवन हज़ार चार सौ पेंशन आएगी इन दोनों अमाउंट को आप जोड़ के और टोटल कर सकते हैं इतने रुपये आपके तीस अक्टूबर चौबीस तक खातों में आएंगे 24 से साढ़े पच्चीस साल तीन हज़ार छः सौ निन्यानवे और 26 से 28 साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले नायब सुबार की तीन हज़ार आठ सौ एक रुपये की बात करें तो यहाँ पे सुबहदार का हम देख लेते हैं सीधा 26 साल से 26 साल क्वालिफाइंग सर्विस में तीन हज़ार नौ सौ बयालीस रुपये और उनचास हज़ार दो सौ पचहत्तर पेंशन आएगी अट्ठाईस साल में चार हज़ार एक सौ सात रुपये उसके बाद साढ़े अट्ठाईस से उनतीस साल में चार हज़ार दो सौ साठ रुपये साढ़े उनतीस से ज़्यादा सर्विस है तो चार हज़ार तीन सौ सत्रह रुपये आगे देख लेते हैं सुबहदार मेजर का तो सुबहदार मेजर का हम सीधा छब्बीस साल से देखेंगे छब्बीस साल से तीन हजार नौ सौ बयालीस रुपये एरियर आएगा अट्ठाईस साल में 4 चार हज़ार एक सौ सात रुपये चार महीनों का डी आर का एरियर आएगा और साढ़े उन्तीस से तीस साल में चार हजार तीन सौ सत्रह रुपये बाकी क्वालिफाइंग सर्विस वाले भी अपनी क्वालिफाइंग सर्विस के सामने एरियर यहाँ पे देख सकते हैं साढ़े बत्तीस साल वाले का पाँच हजार एक सौ अठारह रुपये तैतीस या उससे ज़्यादा सर्विस है तो भी पाँच हज़ार एक सौ अठारह रुपये और तिरसठ हज़ार नौ सौ पचहत्तर रुपये आएगी की बात करें तो साढ़े अट्ठाईस से तीस साल क्वालिफाइंग सर्विस में चार हज़ार नौ सौ चवालीस रुपये साढ़े तीस साल वालों का पाँच हज़ार छियालीस इकतीस से बत्तीस साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों का चार महीने का डी आर पाँच हज़ार एक सौ पंद्रह साढ़े बत्तीस साल वालों का पाँच हज़ार पाँच सौ छप्पन तैंतीस या उससे ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस है तो उनका भी बराबरी आएगा पाँच हज़ार पाँच सौ छप्पन कैप्टन की बात करें तो सत्ताईस से साढ़े तीस साल सर्विस में पाँच हज़ार एक सौ इकतीस से बत्तीस साल क्वालिफाइंग सर्विस वालों का पाँच हज़ार एक सौ पंद्रह साढ़े बत्तीस साल और तैतीस या उससे ज़्यादा क्वालिफाइंग सर्विस वाले ऑनर कैप्टन साहब का पाँच हज़ार पाँच सौ छप्पन रुपये चार महीनों का डियरनेस रिलीफ का एरियर अक्टूबर चौबीस के एंड तक आपके खातों में देखने को मिलेगा और ऑनर लेफ्टिनेंट की पेंशन सिक्सटी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी बत्तीस एंड अबउ और ऑनर कैप्टन की भी सेम लेकिन सुबदार मेजर ऑनर लेप्टिनेंट है उनकी पेंशन तीस साल क्वालिफाइंग सर्विस के अनुसार ही दी जा रही है यानी इकतालीस हजार दो सौ के अनुसार जो कि इकसठ हजार आठ सौ रुपये बन रही है और इनको सिक्सटी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी माइनस सिक्सटी वन थाउजेंड एट हंड्रेड लगभग आठ हजार रुपये का घाटा हर महीने पेंशन में हो रहा है मैटर पी में पहुंच चुका है इस पर काम चल रहा है लेकिन जो सुबार मेजर ऑनर लेप्टिनेंट है उन्होंने अपनी आवाज़ को धीमी कर दी है उनको एक बार फिर इस मुहिम को उठाना है सोशल मीडिया के जरिए टेलीविज़न मीडिया के जरिए लेटर के जरिए शिकायतों के जरिए अपनी आवाज़ को पीसीडीए तक पहुंचाते रहना है यदि आप इसी प्रकार चुपचाप बैठ गए तो फिर आपको इकतालीस हज़ार दो सौ के हिसाब से ही पेंशन मिलेगी कभी भी आपके छियालीस हज़ार तीन सौ के अनुसार नहीं होगी इसलिए इस मुद्दे को जीवित रखें और अपना मुद्दा पीसीडीए तक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सलसमैन वेलफेयर तक रक्षा मंत्री को ज्ञापन देकर हमेशा इसको अलाइव रखें और बताते रहें कि हमारी ये एक पेंशन विसंगति है ताकि पीसीडीए जल्द ही इस पेंशन विसंगति का निवारण करें। तो इस प्रकार मैंने आपको अक्टूबर 2024 की जो आपकी पेंशन है साथ ही साथ जो आपको चार महीने का डी एन रिलीफ का एरियर मिलने जा रहा है उन दोनों का आंकड़ा इस टेबल के जरिए समझाया फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब एंड एंजॉय